नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों एक स्पेशल फिल्म आ रही है, उस स्पेशल फिल्म के लिए मैंने चार लाइनें लिखी है। मुझे लगता है कि अभिनय जी को और दिव्या जी को वो पसंद आएगी, क्योंकि वो सार निकालने की कोशिश करी है। पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत। थैंक यू अभिनय सर। मैंने लिखा है कि उसे नारी कहो बेचारी नहीं, मुश्किलों से लड़ना आता है उसे, कठिनाइयों से जो कभी हारी नहीं वो हमारी शादी है। अरे क्या बात। सो सबसे पहला सवाल आपसे ही, मैं जैसे मैंने कहा उसे नारी कहो बेचारी नहीं, क्या यही सार है हमारी इस फिल्म का, शादी का? बिल्कुल यही सार है। और एक बहुत अच्छा हमारे लाइन में, हमारे पिक्चर में एक डायलॉग है कि बेचारी मत बन गाली है। सो आई थिंक इट सेज अ लॉट, क्योंकि इजीली हम आजकल एड्रेस कर देते हैं कि बेचारी हाउसवाइफ, सावी हाउसवाइफ है लेकिन वो बेचारी नहीं है। अच्छा दिव्या, क्योंकि हम इसकी फाइटिंग स्पिरिट सावी की देखेंगे फिल्म में, What makes Divya a fighter? See, I am a very self-motivated person. मुझे किसी से बाहर से डंडा नहीं चाहिए। मैं खुद ही बहुत क्रिटिकल हूँ, मुझे मेरा चीज़ें काम वगैरह इजिली पसंद नहीं आता और मैं लगी रहती हूँ। तो आई थिंक वो मेरे अंदर ही है, टू चेज परफेक्शन, यू नो आई एम अ परफेक्शनिस्ट। अच्छा तो हमें जो आपकी रियल जिंदगी की फाइटिंग स्पिरिट है वो रिफ्लेक्ट करेगी सभी में, हम देख पाएंगे? सी मैं आज जब मैं कोई किरदार लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो किरदार बन जाऊँ, उसमें दिव्या कहीं दिखे ना। तो जब आप सावी को देखेंगे आपको सावी दिखेंगे, आपने जितना भी मुझे जाना है मेरी, उसमें मैं दिव्या दिखूंगी नहीं। तो आई थिंक वही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप सावी को देखें, आप उसकी कहानी को देखें। अभिनय जी आपके तो खैर नाम में ही इतना पूरा सार है अभिनय। जब आपने फिल्म बनाई, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्या आपको लगता है कि कौन से नाम से नहीं किसी एक वुमेन को नहीं पुकारना चाहिए, इफ़ शी स्टिल द हाउस वाइफ? नो हमारा वही तो था आइडिया, ही वही है कि किसी को, एक गृहिणी को जो घर में रहती है, जो जॉब नहीं करती, उसको हम हाउस वाइफ के नाम से पुकारना ही हमारे हिसाब से गलत है। ओके और गलत है, इसीलिए तो हमने वो इस फिल्म में भी डाला था कि लोग समझे कि भाई साहब ये ऐसा है कि ये गलत चीज़ है। और हमारी फिल्म एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है कि वो एक सावी है ही फिल्म वैसी, कि एक साधारण सी लड़की जो खुश है अपने आप में, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चा, अपना पति, सब सही है उसके लाइफ में, और जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो गड़बड़ को वो किस तरह से फेस करती है, किस तरीके से उसको वो मात देती है, यही तो फिल्म है। तो हम ऐसी स्त्री को या ऐसी महिला को, हम जस्ट हाउसवाइफ या तो किसी भी ऐसे नाम से जो डेरोगेटरी हो, कैसे बुला सकते हैं? दैट इज व्हाट द फिल्म इज। सर हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट हमें दिख रहा है सावी का, लेकिन वो कंटेंट आप बार बार क्यों डिलीवर नहीं करते, हम क्यों मिस करते हैं आपका कंटेंट? क्योंकि आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग होता है, इतना टचिंग होता है और पावर होती है उसके अंदर, तो व्हाई वी डोंट सी अभिनय डायरेक्टिंग मोर एंड मोर मूवीज विद दिस स्ट्रांग कंटेंट? देखिए ऐसा है ना कि अच्छा काम या अच्छी फिल्में, अच्छी लिखाई, ये आने में और उसके ऊपर काम करके उसको उभर के बाहर लाने में ना थोड़ा वक्त लगता है। तो शायद मैं वो करता हूँ कि मैं थोड़ा वक्त लेता हूँ हर चीज़ को, हर चीज़ पे थोड़ा बारीकी से काम करता हूँ, थोड़ा डिटेल में काम करता हूँ, शायद उस वजह से हो। मैंने इसे कोई डिसाइड नहीं किया है कि मैं कम काम करूँगा या हर 3 या 4 साल में एक पिक्चर करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो अगर बारीकी से काम करना अगर पॉसिबल हो 1 साल में तो मेरी हर साल एक पिक्चर आए, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ सेट पर रहना, फिल्में बनाना, लोगों तक नई नई कहानियाँ पहुँचाना, ये आई थिंक दिस इज माई लव, यू नो माई फर्स्ट लव यू कैन से। सो माई होल आइडिया इज दैट इफ आई कैन आई विल, बट थोड़ा समय लग जाता है यार डिटेल में काम करने में। नहीं बिल्कुल, जब आप पेड़ लगाते हैं तो उसकी जब छाया मिलती है तो उसका भी एक अलग ही मजा है, और मुझे लगता है ये वो छाया है जो जिस पेड़ को आपने खड़ा किया। अरे जी मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फिल्में जब रिलीज होती हैं कंटेंट वाइज हम कहते हैं कि क्योंकि चैलेंजेस बड़े, मुझे लगता है ऑडियंस वही है, चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन जब बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं, चॉइसेस अलग है,
क्या आपको लगता है कि अभी अभी के वक्त में कंटेंट जो राइटर्स है या कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत लोगों का मजबूत भी हुआ है और कई लोगों का लैग भी हुआ है, आप मानते हैं कंटेंट उस तरीके से निकल के नहीं आ रहा है इस समय? देखो ये समय जो है हमारे सामने, ये समय है एक्चुअली कंटेंट का ही, कि आज हमने दुनिया खोल दी है ना ऑडियंस के लिए, ओटीटी से लीजिए या तो फिल्में तो पहले भी बनती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया ओटीटी ये सब इसकी वजह से पूरी दुनिया अब हमारे लिए खुल गई है। अब जैसे खुलती है तो एक्सपोजर बढ़ता है, एक्सपोजर जितना बढ़ता है उतना कंपटीशन बढ़ती है, जितना कंपटीशन बढ़ता है उतनी ही हमारी कंटेंट को लेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आप लोगों के और बेटर कंटेंट दो। अब हम एक ऐसी स्टेज में हैं जहां हम सीख रहे हैं। पहले क्या था ना कि थोड़ा ऐसा एवे कंटेंट है चल जाता था, बड़े एक्टर को ले लो खत्म बात, अब वो नहीं चलता। अब ये समय है कि जहां पे कंटेंट तो बिल्कुल अच्छा होने की जरूरत ही है, ओके, उसके आगे अगर आप अच्छे एक्टर्स लाएं, स्टार्स लाएं, तो उसको सिर्फ और यू नो बढ़ावा मिलते जाता है उस प्रोडक्ट को। तो मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि आप क्या कह रहे हो कि बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कंटेंट को लेकर, लेकिन वो स्ट्रगल है वो अच्छी बात है, यू नो स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ता है आदमी। और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में हमारा कंटेंट इंटरनेशनल लेवल क्या उसके आगे भी बढ़ सकता है। सो दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आपने फिलहाल में कोई एक आपसे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर कौन सी ऐसी अभी फिल्म देखी है जिसका आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट पार देखने को मिला है? हाँ स्ट्रॉन्ग कंटेंट, यार ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें अच्छी कंटेंट है, लेकिन अब ये ऐसे लास्ट मिनट पे निकालना मेरे ख्याल से जरा सा मुश्किल है मेरे लिए। बट एक है, एक बताऊंगा आपको कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि कंटेंट राइटर्स के द्वारा और टेक्नीशियंस के द्वारा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। माने ऐसे एक जमाना था जब हम अगर आप मुझे एक सवाल ये पूछते कि कौन सा एक था तो मेरे ख्याल से बहुत ढूंढना पड़ता था। आज बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो एक्चुअली शॉक कर रही हैं आपको, कंटेंट वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, यू फील दैट अरे वाओ दैट्स अ नाइस थिंग डन। हाँ वो बॉक्स ऑफिस पे कितना परफॉर्म करती है वो अलग बात, लेकिन यू नो आई विल थिंक अबाउट दिस एंड टेल यू बिकॉज देर आर मेनी दैट आर कमिंग इन टू माई माइंड। बट दिव्य मुझे लगता है कि ये फिल्म आपके दिल के भी बहुत क्लोज होगी, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपकी मॉम थी जो कहानियाँ सुनाती थी उस कहानी को आपने अब जिया है। सावी इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ सत्य सावित्री। क्या अपने, क्योंकि आप हमेशा से ही स्क्रीन पे 100% देते हैं, लेकिन डिड यू फेल अ बिट ऑफ इमोशनल ऑल्सो की ये वो कहानियाँ थी मैं बचपन में सुनती थी अपनी मॉम से, और आप बस उसको मॉडर्न वे में अब जी रहे हैं सावी के रूप में? सी दिस आई थिंक सो इसलिए आप इमोशनल होते हैं कि ऑफकोर्स या दैट माई मॉम्स टोल्ड मी दिस स्टोरी, एंड हमारे कल्चर की स्टोरी है, कल्चर से जुड़ी हुई है, एंड हर महिला को ये प्रेरणा देते हैं कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में कोई भी मुसीबत आए। सो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है, एम्पावर करती है औरतों को, एंड आई थिंक हमेशा से देखा गया है कि हिंदी फिल्म में स्पेशली कि the male character saves the female character, वो उसको गुंडों से बचाता है या वो उसका protection करता है, but ऐसा नहीं है real life में। जब एक housewife होती है तो वो nurture कर रही होती है अपनी family को, उसका husband अगर जाके progress कर रहा है तो वो उसको कहीं पीछे खड़ी emotional support provide कर रही है। so I think बहुत शक्ति होती है एक औरत में, और वो भी हमारी फिल्म में है, तो आई फील वेरी इमोशनल अबाउट इट कि हमारी भारतीय इमोशंस जो है उसमें आए हैं कि एक एक औरत अपने परिवार के लिए क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। एक चैलेंज और इस फिल्म में आपने मुझे लगता है एक्सेप्ट किया कि जिस तरीके से फिल्म में आप कर रहे थे लवेबल गर्ल थे, वेरी एक 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 इमेज होती है कि यू आर डूइंग अ रोमांटिक फिल्म्स एंड, बट दिस टाइम यू हैव डन लॉट ऑफ एक्शन आल्सो और बहुत चोटें भी आई, लेकिन मुझे लगता है कि जब चोटें आती है तो हम कहते हैं कि ये फिल्म और ये किरदार खून पसीने का किया हुआ है और वो निखर के भी आता है जो हम देख पाएंगे, तो इस बार एक्शन कैसा रहा दिव्या आपके लिए?
So, हाँ, एक चीज तो इस बार काफी मतलब वो हो गई कि एक्चुअल में जो सावी को चोट लगती है वो ही दिव्या को लगी, तो सावी की चोटें भी मैंने खाई. बट अनिल सर ने जब मुझे चोट लगी थी आके कहा था पिक्चर हिट है, उनकी करियर का ये एक्सपीरियंस है कि जब भी एक्टर को चोट लगती है पिक्चर हिट हो जाती है. तो मुझे ये लगा तो क्या मुझे हिट खाना पड़ेगा हिट डिलीवर करने के लिए. अच्छा, लेकिन दिव्या एक चीज है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव अलोंग विद अस अभी, लेकिन आपके जो लिस्ट में मैं पढ़ रहा था क्योंकि मुझे पढ़ने का इससे शौक है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ क्यूरियोसिटी आपकी भी, उसमें लिखा होता है जोया अख्तर, फराह खान एंड मेघना गुलजार ऑफ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स यू हैव. So what makes you, क्या आपके दिमाग में चलता है कि कौन से क्राफ्ट में, बिकॉज एज अ डायरेक्टर आप खुद रहे हैं, डायरेक्टर का कौन सा क्राफ्ट में आपको लगता है कि सबसे बेस्ट आप फिट होते हैं, और कैसे सब डायरेक्टर क्राफ्ट को देखते हैं, और अभिनय सर के क्राफ्ट को कैसे देखा आप? एक्चुअली मैंने ऐसे कभी कोई लिस्ट बोली नहीं कि मेरी ये लिस्ट है या ऐसा मैं करना चाहती हूँ, मैंने कभी बोला नहीं. Likes be. You, मतलब we love everyone. हाँ, but I think आजकल see फिल्म्स जो होती है वो डायरेक्टर ड्रिवन होती है, एंड एक्टर इज आल्सो एज गुड और बैड एज द डायरेक्टर. आप पूरे तरह से डायरेक्टर के हाथ में होते हैं, वो ही आपसे काम निकलवाते हैं, वो आपको अच्छा बुरा वो ही आपके शॉट्स चूज कर रहे हैं एडिट टेबल पे, उन्होंने आपका बिकॉज सी हम तो अपनी मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो सकता है कभी कोई एक टेक अच्छा ना हो अगर डायरेक्टर ने वो लगा दिया, यू नो. तो आई थिंक इसीलिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभिनय सर के साथ काम करते हुए, बिकॉज वो बहुत ही मंझोए कलाकार है, उन्होंने जो जिस वे से फिल्म शूट की, जैसे काम निकलवाया, इतनी आसानी से इतने काम ली उन्होंने सेट पर, पूरा मतलब ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सो वी आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एट ईज बिकॉज रोल टफ था, यू नो. उस टफ के ऊपर अगर एनवायरमेंट भी सेट का हार्श हो टफ हो तो और मुश्किल हो जाता है, बट सेट का एनवायरमेंट बहुत ही कंड्यूसिव था. और एडिट जब मैंने देखा मैं बहुत हैरान हो गई क्योंकि ऐसा लीनियर एडिट नहीं है, थ्रिलर पिक्चर है, पेस भी उसका ऐसा फास्ट है, यू नो, एंड यू आर ऑन द एज ऑफ योर सीट, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा अगले मिनट. तो उन्होंने जिस वे से एडिट किया बहुत ही इंट्रीगिंग वे से है, सो आई थिंक द क्रेडिट कंप्लीटली गोज टू द डायरेक्टर. एक सावी के लिए ऑनलाइन लिखे और आखिरी दो सवाल पूछ चुका हूं, ये सावी की मेहनत और लगन का परिणाम है आज सबकी नजरों में, इसलिए सावी तेरा सम्मान है. और एक जिस तरीके से पूछा था अभिनय के क्राफ्ट को आप कैसे देखते हैं, आई थिंक बहुत बहुत मैच्योर है उनका क्राफ्ट, एंड मैं उनको ये बोलती भी हूँ कई बार ना कुछ क्रिएटिव डिस्कशन हो रहे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि अभी ऐसे क्या करें, सो ही जस्ट गेट्स क्रिएटिवली, जैसे किसी भी डायरेक्टर को या पर्सन को सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ही इज आउट विद एन आंसर इमिजिएटली कि ऐसे करते हैं ऐसे करते, एंड आई एम अमेज्ड इतनी जल्दी कैसे यू नो सोच पाते हैं, बट आई थिंक दैट्स अमेजिंग. अच्छा अभी अगर मैं आपसे दोबारा दिव्या के लिए पूछूं, हाउ वुड यू डिफाइन दिव्या एज एन एक्टर एंड हाउ would you define Divya as a director? As a director. As a director? Yeah. So as an actor, of course, I've worked with her. Correct. As a director, because I'm not an actor, so I've not been able to work with her as a director. But phir bhi, as an actor, she's a fabulously hard-working, bahut hard-working actor hai, jo bahut homework karke aati hai. जो बिल्कुल सोच के आती है कैरेक्टर में, बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो एज ए डायरेक्टर बहुत फर्क पड़ जाता है. इट बिकम्स वेरी इजी यू नो टू वर्क विद एन एक्टर हु इज ऑलरेडी सो इन्वॉल्व्ड यू नो एंड सो डीप इनटू द स्क्रिप्ट एंड इनटू हर कैरेक्टर, सो दैट्स वेरी गुड. एज ए डायरेक्टर आई हैव सीन ओनली वन फिल्म ऑफ हर्स एज ए डायरेक्टर, एक ही करी है ना आपने, दो करी, तो मैंने एक ही देखी, so that I found as a first time director, that was the first film that I saw, and I was like, I told you about it later on also. The other one is Bulbul. Bulbul I didn't direct. Yaariya I directed, and Sanam Riya I directed. Sanam Riya, but which one was your first? Yaariya. So I've seen Yaariya, which is with all newcomers, all the newcomer kids, and all that. Then I felt that when I looked at the film, I said, this doesn't look like a film directed by a first time director. So that in itself says a lot, that to handle newcomers is not easy, because newcomers are less experienced in their acting, and as a director the most important thing, being a captain of the ship, is you have to see every Correct. department. Correct. You know, so I think from that perspective I think she has done extremely well in both the fields, but as an actor I've seen her closely recently and she is absolutely a dream to work. Wow. लास्ट क्वेश्चन दिव्या, क्योंकि हम आपके अभी विजुअल्स बहुत देखते हैं,
व्हाट मेक्स यू रूटेड? क्योंकि हम देखते हैं कि दिव्या सबके साथ बैठ के नीज पे बैठ के पिक्चर्स भी ले रही हैं, सबको खुश भी रख रही हैं, शी इज अ फन जॉली काइंड ऑफ अ पर्सन. व्हाट मेक्स यू रूटेड दिव्या? सी एक्चुअली सक्सेस एंड फेलियर डोंट हैव एनी अफेक्ट ऑन मी. मैं क्रिएटिव लड़की हूँ, मैं क्रिएटिवली यू नो और सीखना चाहती हूँ. आई थिंक जब मेरी जब मुझे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली थी, तब मेरी जब डायरेक्टोरियल डेब्यू यारियाँ हिट हुई थी, तब मैं एकदम से सब मुझे जानने लगे थे. उससे पहले कोई जानता नहीं था, बट उस पिक्चर ने भी मुझे बिल्कुल बदला नहीं, मैं वैसी ही थी. आई कंसिडर माई सेल्फ अ मिडिल क्लास गर्ल हु कम्स फ्रॉम अ फैमिली इन पीतमपुरा, एंड I think I'm still the same. And I, you know, my best friend till date is the girl I met in second standard. So, yeah. So, I think I'm still the same girl. मैं खुश हूँ कि मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, अपनी जर्नी में ग्रो हुई हूँ एंड और सीखते रहना चाहती हूँ. बिल्कुल. थैंक यू टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू. जाते जाते हम ये कहेंगे, लक्ष्मी बाई जैसा साहस इसमें, मीरा बाई जैसा प्रेम है, पद्मावती जैसा जौहर इसमें, दुर्गावती जैसा पराक्रम है, ये सावी है, ये सावी है. और आप देखिए 31 मई को आपको हर वो नारी का जो रूप है वो देखने को मिलेगा. नारी शक्ति भी है, और जब नारी अपने अंदर की आत्मा को जगाती तो वो अपने हस्बैंड की और उसकी सबकी रक्षा कर सकती है. तो वो एक सावी का जो एक रूप है वो निखर के आएगा. और वो 31 तारीख है, और जैसे ही दिव्या ने सबसे वादा लिया था कि इसको आपको थिएटर्स में जाके देखना है, तो मैं वादा करता हूँ मैं भी इसको थिएटर्स में. थैंक यू, आप मेरे इंस्टा फॉलो करते हो. चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.